द नेक्स्ट टॉपिक इज मैथेमेटिकल एक्सपेक्टेशन आप लोग इसे प्रैक्टिकल यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं तो एक्सपेक्टेशन मैथेमेटिकल एक्सपेक्टेशन या जो एक्सपेक्टेंसी होती है वो बेसिकली होता क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग सो इट इज वर्थ वाइल इंडिकेटिंग दैट इफ पी रिप्रेजेंट्स अ परसनस चांस ऑफ सक्सेस इन एनी वेंचर और इवेंट एंड एम इज द सम ऑफ मनी विच हीव इन केस ऑफ सक्सेस देन हिज एक्सपेक्टेंसी या देन द सम ऑफ मनी विच ही कैन एक्सपेक्ट इज पी मल्टीप्लाइड बाई एम तो ये जो पी एम होता है ये उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन कहलाता है तो अगर सिंपल एग्जाम्पल से हम समझें लेट से एक सिक्का है नॉर्मल कॉइन है तो पी जो प्रोबेबिलिटी है वो है हाफ मतलब अगर सिक्का उछालता हूँ मैं और हम लोग लेट से हज़ार हज़ार रुपये की शर्त लगाते हैं तो हज़ार रुपये है प्राइज मनी और सिक्के की जो हेड आने की प्रोबेबलिटी है वो है हाफ सो so, अगर कोई पर्सन खेल रहा है तो हाफ़ प्रोबेबिलिटी से वो विन करेगा और उसको इनाम मिलेगा हज़ार रुपये सो so, उसका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए इस गेम से या उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या ऑन एन एवरेज वो कितना मनी जीतना चाहिए ऑन एन एवरेज हम बात करें यहाँ पे एवरेज वर्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो वैल्यू निकलेगी पी इन टू एम से मतलब प्रोबेबिलिटी दैट इज हाफ इन दिस केस एंड एन दैट इज़ प्राइज मनी थाउजेंड रुपीज़ तो उसका एक्सपेक्टेंसी होगा हाफ इंटू थाउजेंड दैट इज़ फाइव हंड्रेड रुपीज़

तो ऑन एन एवरेज वो इन सौ गेम से कितने पैसे एक्सपेक्ट कर सकता है तो एक गेम से उसका एक्सपेक्टेशन पांच सौ रुपए है तो हंड्रेड गेम्स से वो एक्सपेक्ट जितनी वैल्यू कर सकता है वो होगी फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड दैट इज फिफ्टी थाउजेंड मतलब एक गेम में वो हजार रुपए जीतेगा अगर हेट्स आया वो ये गेम सौ बार खेल रहा है तो मैक्स बेस्ट सिनेरियो क्या होगा कि सौ की सौ बार हेड आ जाए तो वो एक लाख रुपए जीत जाए वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा कि सौ की सौ बार टेल आ जाए तो वो जीरो रुपए जीतेगा बट ऑन एन एवरेज जो उसका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो होना चाहिए आ, पचास हजार इस एग्जाम्पल में सो so बेसिकली हम लोग और एग्जाम्पल्स लेते हैं और समझते हैं इसका क्या यूज है सो अ बाय कॉइन इज टॉस्ड फॉर अ प्राइज मनी ऑफ नाइन तो बायस कॉइन है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टू बाय है पर्सन ए ने हेड कॉल किया है क्योंकि उसे पता था सिक्का है पर्सन बी कॉल्स टेल क्योंकि उसको पता नहीं होगा शायद सिक्का है तो पर्सन ए हेड पे पैसे लग रहा है और पर्सन बी टेल पे और नाइन नाइनटी की प्राइज मनी डिसाइड हुई है अब पुलिस की रेड पड़ गई तो गेम को स्टॉप करना पड़ा सो हाउ कैन अ रेफरी या जो इसको कंडक्ट कर रहा है गेम को वो बंदा कैसे एक फेयर वे में इस प्राइज मनी को डिवाइड कर सकता है सो so, क्योंकि हमें पता है कि हेड आने के चांसेस ज्यादा थे तो पर्सन ए ज्यादा फेवरेबल था तो वो डिवाइड होगी मनी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन तो पर्सन ए का प्रोबेबिलिटी था जीतने का टू बाय थ्री पर्सन बी का जीतने का प्रोबेबिलिटी था वन बाय थ्री तो अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को प्राइज मनी से मल्टीप्लाई कर दें दैट इज पी इंटू एम ये उनका एक्सपेक्टेशन था गेम से तो फेयर वे में हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे पर्सन ए को सिक्स सिक्सटी सिक्स रुपीज़ मिलने चाहिए क्योंकि उसने हेड कॉल किया था और पर्सन बी को थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री रुपीज मिलने चाहिए क्योंकि उसने टेल कॉल किया था सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं अब इसमें क्या है ना एक्सपेक्टेशन में बस आपका कॉन्सेप्ट यही है P इन एम प्रोबेबिलिटी इन प्राइज मनी यही कॉन्सेप्ट है बाकी तो बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो भी हमने पढ़ रखा है वो सब मिक्स करके पूछा जा सकता है सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू प्लेयर्स ऑफ इक्वल स्किल इक्वल स्किल सॉरी ए एन बी आर प्लेइंग अ गेम तो दो बंदे हैं बराबर स्किल है उनकी वो गेम खेल रहे हैं अब किसी कंडीशन के वजह से उनको गेम बंद करना पड़ा और अभी इस स्थिति में लेट्स हम लोग टेबल टेनिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं या लेट से वो बैडमिंटन खेल रहे थे चलो बैडमिंटन खेल रहे थे तो पर्सन ए को जीतने के लिए और थ्री पॉइंट्स चाहिए थे और पर्सन बी को सिर्फ दो पॉइंट चाहिए थे तो ऐसा समझ लो आप कि बैडमिंटन खेल रहे थे इक्कीस इक्कीस पॉइंट का गेम था तो पर्सन ए के अठारह पॉइंट हो गए थे और पर्सन बी के उन्नीस पॉइंट हो गए थे ड्यूस यूज का कोई पंगा नहीं है तो ऐसा है कि पर्सन ए को फर्दर तीन पॉइंट्स चाहिए थे और पर्सन बी को टू पॉइंट्स चाहिए थे अब प्राइस में नहीं था सोलह हज़ार रुपये इस गेम में तो रेफरी डिवाइड कैसे करे क्योंकि गेम तो कंटिन्यू कर नहीं पा रहे हम ठीक है तो हम लोग कैसे करेंगे हम लोग थोड़ा केसेस बना के सोचेंगे तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन ए विनिंग निकालते हैं सो पर्सन ए कैसे जीतेगा चार केसेस यहाँ चार सिनेरियोज आप यहाँ पे देख सकते हैं तो चार केसेस होंगे कि सपोज अगर ये गेम कंटिन्यू होता तो पर्सन ए को कैसे जिताते हम तो अगर गेम कंटिन्यू होता तो सपोज अगला पॉइंट बी निकालता और आगे के तीनों पॉइंट बैक टू बैक ए निकालता ऐसे जीत सकता था पर्सन ए फर्स्ट केस सेकेंड केस पहला अगला पॉइंट ए निकालता फिर उसका अगला पॉइंट बी निकालता फिर उसका अगला पॉइंट ए और उसका अगला पॉइंट ए निकालता ये सेकेंड केस थर्ड केस में पॉइंट uh, जो है नेक्स्ट पॉइंट ए निकालता पर्सन उसका अगला पॉइंट भी ए निकालता फिर उसका अगला पॉइंट बी निकालता उसका अगला पॉइंट ए निकालता या फिर सिंपल केस लगातार तीनों पॉइंट्स ए ही निकालता देखो हम लोग पर्सन ए को जिताना कैलकुलेट कर रहे हैं आप ऐसे ही पर्सन बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो पर्सन ए पे हम कैसे कर रहे हैं कि अगला जो पॉइंट्स हैं पर्सन ए को थ्री पॉइंट्स चाहिए पर्सन बी को दो पॉइंट्स चाहिए तो हम लोग पर्सन ए को कैसे जिता सकते हैं या तो बैक टू बैक तीनों पॉइंट्स निकाल ले वो या तो पर्सन बी के एक पॉइंट निकालने के बाद पर्सन ए थ्री पॉइंट्स निकाले तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने चार केसेस बनाए अच्छा पर्सन ए के तीन पॉइंट्स स्कोर करने से पहले अगर पर्सन बी दो पॉइंट्स स्कोर कर लेगा तो गेम वहीं पर वैसे ही अटक जाएगा क्योंकि हम ए को जिताना चाहते हैं तो पर्सन ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ पावर फोर फर्स्ट केस के लिए अच्छा इक्वल स्किल्स हैं तो पर्सन ए पॉइंट स्कोर करें पर्सन बी पॉइंट स्कोर करें स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी हाफ ही होगी तो फर्स्ट केस के लिए हमने हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ दैट इज हाफ पावर फोर लिखा है सेकंड केस में भी हमने हाफ पावर फोर लिया है थर्ड केस में भी हमने हाफ पावर फोर लिया है बट फोर्थ केस में क्योंकि ए इंटू ए इंटू ए सिर्फ तीन पॉइंट्स हैं इसलिए हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ हाफ हाँ क्यूब है तो पर्सन ए के प्रोबेबिलिटी जो है विन की वो है फाइव और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के कॉन्सेप्ट से बची हुई इलेवन बाई सिक्सटीन प्रोबेबिलिटी पर्सन बी की विनिंग हो जाएगी तो ए और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकल गई प्राइज मनी हमें ऑलरेडी पता है तो आप सीधे मल्टीप्लाई करके फेयर वे में आप मनी बांट सकते हैं दैट इज पर्सन ए को पांच हजार मिलने चाहिए पर्सन बी को ग्यारह हजार और यहां पे आप लोग

ओनली वन होल इनिट्स बॉडी देखो एक इवेंट दे दिया इवेंट अतर कर गया है कि जो अपना भालू है उसके शरीर में सिर्फ एक ही छेद है, मतलब एक ही गोली लगी है अब पर्सन झगड़ा कर रहे हैं कि मेरी गोली लगी मेरी गोली लगी तो अब डिवाइड कैसे करें पैसेबिलिटी तो ऑफ बी शूटिंग द बियर इज जीरो पॉइंट फोर और जो प्राइज मनी थी वो टू एटी रुपीज थी तो हम लोग कैसे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर बेस थियोर का यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द बियर गिवन दैट ओनली वन होल इज फाउंड इन द बॉडी यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द बियर गिवन दैट ओनली वन शॉर्ट तो कंडीशनल प्रोबेबलिटी से हम लोग बेस थियोरम का स्टेटमेंट लिखेंगे न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे हम लोग ए uh, को हिट करवाएंगे और बी से मिस करवाएंगे डिनोमिनेटर में दो केसेस होंगे अब दो केस क्यों क्योंकि अगर एग्जैक्टली वन होल इन द बॉडी है एग्जैक्टली वन होल इन द बॉडी तो दो केस हो सकते हैं ए ने हिट किया बी ने मिस किया या फिर ए ने मिस किया और बी ने हिट किया तो सिमिलर वे में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ओनली वन होल इन इट्स बॉडी वाला से भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री से भी कर सकते हैं क्योंकि टोटल आपको पता है दोनों का सम वन आना चाहिए सो so, फाइनली जो मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो टू फोर्टी रुपीज एंड फोर्टी रुपीज की मदद से दोनों में आपस में बट जाएगा सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओके okay, सो so, ये जो टॉपिक है ये ओनली इन द सिलेबस ऑफ सी बी एस ई है बट नॉट इन जेई तो ये जेई एडवांस्ड के सिलेबस में नहीं है जेई मेन में इसके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ पॉइंट पे ओके सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी विल टॉक हियर आर एक्चुअली नॉट इन सिलेबस बट जस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे इसको ले रहे हैं ओके सो फर्स्ट पॉइंट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेल्स आउट हाउ अ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सेवरल वैल्यूज़, सेवरल वैल्यूज ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द नंबर ऑफ सक्सेस तो आप एग्जाम्पल के तौर पे अपना बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग जो हमने बर्नॉलिस ट्रायल्स पर बात की थी एक एन नंबर ऑफ टाइम्स हम एक एक्सपेरिमेंट रिपीट करते थे पी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्यू था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और फिर हम लोग एग्जैक्टली आर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालते थे तो हमने एक बाइनोमियल एक्सपांशन लिखा था q प्लस पी की पावर n तो ये जो वन प्रोबेबिलिटी थी ये किस तरीके से अलग अलग केसेस में डिस्ट्रीब्यूट होती थी उसे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग बोलते थे इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो इन जनरल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं हमारे सिलेबस में इन अवर सिलेबस वी ओनली टॉक अबाउट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल वर्ड कहाँ से आया क्योंकि अपने वाले डिस्ट्रीब्यूशन में अपने वाले जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें तो दो ही केस होते हैं सक्सेस या फेलियर तो इसलिए हम लोग क्यू प्लस पी की पावर एन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सेकेंड पॉइंट किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है जो एवरेज होता है मीन ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला म्यू इक्वल टू सिग्मा पी आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा पी आई आप इसको वेटेड ए एम वेटेड अरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं तो इलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा था प्रोग्रेशन इन सीरीज चैप्टर में वेटेड अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है जो वेट्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाय सम ऑफ़ ऑल वेट्स होता है तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मोस्ट प्रोबेबली इसको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं मीन एंड वेरियंस तो डिटेल में हम वहाँ पे लेंगे अभी यहाँ पे आपको ज़्यादा घबराने की या सर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा कुछ होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये हमारे काम का अभी नहीं है इस चैप्टर में uh, मैं क्यों ले रहा हूँ उसका रीज़न मैं बाद में बताता हूँ थर्ड पॉइंट इज वेरियंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला सिगमा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू पी आई तो ये सब जो भी फॉर्मूले हैं आप इनको देख के डरिए मत हमारे काम की चीज क्या हम उसपे आते हैं हमारे काम की चीज जो है पूरे इस डिस्कशन में वो है ओनली एंड ओनली फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट तो जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट है ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में आएगा डिटेल में सो डोंट वरी फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट जो है वो हमारे काम का है अभी बट जस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं सो फोर्थ पॉइंट पे हम ऑलरेडी बहुत सारे सवाल कर चुके हैं क्या है फोर्थ पॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ बाइनोमियल वेरिएट एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो रैंडम वेरिएबल्स बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली आर सक्सेस की वो होती है एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर तो इसमें हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं ऑलरेडी फिफ्थ पॉइंट नया पॉइंट है तो जो भी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मीन होता है एनपी वेरियंस होता है एन क्यू

इंडिपेंडेंटली हम लोग उस ट्रायल्स को परफॉर्म कर रहे हैं पी था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल था प्रोबेबिलिटी ऑफ इन ईच ट्रायल ये तीनों फॉर्मूले का डेरिवेशन पढ़ा है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम हम लोग यहां पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम यहां पे इसके डेरिवेशन स्किप कर रहे हैं हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और जो इसके क्वेश्चन हैं वो आई टीजे main में पूछे जा चुके हैं एक दो बार तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के आते हैं सिंपल फार्मूला बेस्ड फिफ्थ पॉइंट ही आपके काम का पॉइंट है उस उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है जैसे इस टाइप के सो अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन फाइव टाइम्स मतलब अपना जो एन का वैल्यू स्मॉल एन का वैल्यू फाइव है गेटिंग अ डब्लेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ठीक है इस टाइप पे एंड एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस तो हमें निकालना है मीन और वेरिएंस ऑफ़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स तो इन टाइप के क्वेश्चन में आप लोग क्या करिए आप सिर्फ आइडेंटिफाई कीजिए अपने एन की वैल्यू पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू तो हम लोग एन की वैल्यू यहाँ पे फाइव लेंगे क्योंकि डाइस स्पेयर ऑफ डाइस पाँच बार फेंकी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज गेटिंग अ डबलेट इज सिक्स बाय थर्टी सिक्स बात कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी है ना वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स ये छह केस फेवरेबल होंगे टोटल थर्टी सिक्स केसेस होंगे सिक्स क्रॉस सिक्स की मैट्रिक्स बनी थी और क्यू की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस पी दैट इज फाइव बाई सिक्स बस उसके बाद फॉर्मूला लगाना है तो मीन हो जाएगा np दैट इज फाइव इन टू वन बाय सिक्स वेरियंस हो जाएगा npq क्यू इज फाइव इंटू वन बाय सिक्स इंटू फाइव बाय सिक्स और अगर स्टैंडर्ड डिविशन पूछता एस डी तो हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस तो उसका आंसर हम देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव बाय थर्टी सिक्स तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता फाइव अपॉन सिक्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा इक्वेशंस uh, वगैरह में भी खिला सकता है सो क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल वेरियट बाइनोमियल वेरियट मतलब बीपीडी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरियंस इज वन डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वास इज इलेवन और आगे पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली थ्री सक्सेस तो पहले आप जो भी डेटा दे रखा है उसको इक्वेशन में लिखिए मीन का मतलब होता है एनपी वेरियंस का मतलब होता है एनपी क्यू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड तो पहली इक्वेशन बन जाएगी एनपी माइनस एनपी क्यू इक्वल टू वन डिफरेंस है उनका और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस मतलब एन स्क्वायर पी स्क्वायरस एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्स हो जाएगा इलेवन और एक और चीज आप मत भूलिए कि दो इक्वेशन आई है पर अननोन तीन है तो एक और इक्वेशन हमें मन से लिखनी पड़ेगी वो इक्वेशन है पी प्लस क्यू इक्वल टू वन हमें ये नहीं भूलना है कि सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी का सम वन होगा सो so, इन तीनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कीजिए जैसे भी आप सॉल्व करना चाहते हैं एक तरीका हमारे पास यह है कि वी डिवाइड द इक्वेशन टू बाय द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन वन तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायरिंग करेंगे और सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या एन स्क्वायर कट जाएगा पी स्क्वायर कट जाएगा और हमें वैल्यूज मिलना चालू हो जाएंगी तो फाइनली वी विल गेट एन इक्वल टू थर्टी सिक्स इक्वल टू वन बाई सिक्स एंड क्यू इक्वल टू फाइव बाय सिक्स उसके बाद सामने वाला कुछ भी पूछ ले हम बता देंगे तो सामने वाले ने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्जैक्टली थ्री सक्सेस तो हम लोग एक्जैक्टली थ्री सक्सेस लिखेंगे एन सी थ्री दैट इज थर्टी सिक्स सी थ्री पी क्यूब दैट इज वन बाय सिक्स का क्यूब एंड क्यू की पावर थर्टी सिक्स माइनस थ्री दैट इज क्यू की पावर थर्टी थ्री तो फाइव बाय सिक्स की पावर थर्टी थ्री सो मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर ये है अपना कंटीन्यूस सैंपल स्पेस वाला चीज़ तो अब तक हमने जो भी प्रोबेबिलिटीज बात की थी उसमें एक्चुअली जो अपना सैम्पल स्पेस था उसमें डिस्क्रीट सैंपल स्पेस था मतलब फाइनाइटली uh, या इनफाइनाइटली जो भी होते थे सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स वो डिस्क्रीट एलिमेंट्स होते थे हम लोग उसको सेपरेटली देख पाते थे इमेजिन कर पाते थे तो अब हम बात करेंगे कंटीन्यूस सैंपल स्पेस की इसे एग्जियोमेटिक स्टेटमेंट्स भी कहते हैं और ये सिलेबस में नहीं है ना तो ये जेई मेन के सिलेबस में ना ये जेई एडवांस के सिलेबस में ना तो ये आपके सी बी एस ई के सिलेबस में तो आप पूछेंगे सर फिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं तो इट इज़ जस्ट फॉर नॉलेज बेस्ड थिंग और ये आपको आगे आगे इन द सेंस कि कॉलेज में और कॉलेज के बाद कभी कभी आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में एमबीए या कैट वगैरह के इंटरव्यूज़ में ये चीज़ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मदद करेगी हेल्प करेगी कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम्स को टैकल करने में इस चीज़ को हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं ओके सो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होते हैं बेस्ड ऑन दिसकटीन्यूस सैम्पल स्पेस वाले चीज़ कॉन्सेप्ट इसका बड़ा सिंपल सा है जैसे फर्स्ट पॉइंट है इफ अ पॉइंट इज टेकन एट रैंडम ऑन द एरिया एस तो किसी भी एरिया एस में अगर एक पॉइंट को रैंडमली सेलेक्ट किया गया है जिसके अंदर एक एरिया सिग्मा भी है तो इस बात के चांसेस क्या होंगे कि वो पॉइंट सिग्मा के अंदर भी हो इन शॉर्ट एक टोटल एरिया करके है उसके अंदर एक फेवरेबल एरिया है तो फेवरेबल एरिया में एक पॉइंट आएगा इस बात के क्या चांसेस हैं तो वो है फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट क्या है कि भाई अगर एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है उसके ऊपर अगर मैं रैंडमली पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो इस बात के क्या चांस होंगे या क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पॉइंट पर्टिकुलर सेगमेंट पी क्यू के ऊपर भी होगा तो इसे भी हम लोग फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ से लिखेंगे देखो बात यह है कि जब हम लोग स्टार्टिंग में चैप्टर जब शुरू हुआ था तब हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते थे फेवरेबल नंबर ऑफ़ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो वहाँ पे जो आउटकम्स होते थे वो एक्चुअली डिस्क्रीट एलिमेंट्स होते तो हाँ हम उसको काउंट कर पाते थे है ना जैसे सैम्पल स्पेस में सर थर्टी एलिमेंट्स होंगे फेवरेबल वाले में सिक्स एलिमेंट्स होंगे अब यहाँ पे जैसे मैं लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो लाइन सेगमेंट के ऊपर तो इन्फाइनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे तो सैम्पल स्पेस में इन्फाइनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे और इनफैक्ट हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे उन पॉइंट्स को हम काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं कि ये पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट और सिमिलरली जो फेवरेबल है पी क्यू वाली जो लाइन सेगमेंट है उसमें भी इन्फाइनिट पॉइंट्स हैं तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वी डिफाइन फेवरेबल लेंथ फेवरेबल एरिया टोटल लेंथ टोटल एरिया तो ये वन डी में अगर बात करूँ इस कॉन्सेप्ट को तो सेकेंड पॉइंट है आपका फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ ये वन डी में सिमिलरली टू डी में अगर बात करूँ तो आपका फर्स्ट पॉइंट फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया सिमिलरली थ्री डी में अगर आप लेकर जाना चाहें इस कॉन्सेप्ट को तो आप ले सकते हैं फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम सो इंट्यूटिवली भी आप समझ सकते हो भाई जैसे सेकेंड पॉइंट है तो पी क्यू लेंथ जितनी बड़ी होगी उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि अपना रैंडमली सिलेक्टेड पॉइंट पी क्यू के ऊपर लाई कर जाएगा सो so, इस पर क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं या आपके जो एम बी ए वगैरह या कैट वगैरह के इंटरव्यूज़ में या आई ए एस वगैरह के इंटरव्यूज़ में किस टाइप के सवाल बन सकते हैं जोमेट्रिकल इस पर तो वो कुछ ऐसा है एक्चुअली एप्टीट्यूड बेस्ड है तो जैसे एक पॉइंट है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ठीक है सो अ पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम इन अ सर्कल एक सर्कल के अंदर रैंडमली पॉइंट सेलेक्ट किया गया है तो इस बात के क्या चांसेस हैं कि वो पॉइंट क्लोजर टू द सर्कम हो देन टू इट्स सेंटर अभी एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है बट एक्चुअली है इस टॉपिक का ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का सो so, कैसे हम टैकल करेंगे पहले आप इमेजिन करो आप क्या चाहते हो आप पॉइंट को क्लोजर टू द सर्कम चाहते हो एज कंपेर टू विथ सेंटर तो आप लोग इन इक्वालिटी को सोल्व करने के लिए पहले इक्वालिटी समझो थिंक ऑफ ऑल दो विच आर एग्जैक्टली इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ सर्कमफेरेंस एंड सेंटर वो सारे पॉइंट्स जो सेंटर से भी और सरकम फेरेंस से मतलब सर्कल के बाउंड्री से और सर्कल के सेंटर से बराबर दूरी रखते होंगे वो कैसे पॉइंट्स होंगे तो वो सारे पॉइंट्स भी एक सर्कल बनाते होंगे तो अगर मैं ओरिजिनल एक आर रेडियस का सर्कल लूँ तो एक आर बाय टू रेडियस का सर्कल भी मुझे लेना पड़ेगा विच इज कॉन्सेंट्रेट और जो ये आर बाई टूट सेंटर से है आर बाई टू रेडियस वाला जो सर्कल होगा उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेंटर से और सर्कम से बराबर दूरी रखते होंगे दैट इज आर बाय टू आर बाय टू नाउ आई वॉन्ट क्लोजर टू द सर्कम सो द फेवरेबल एरिया इज एक्चुअली वॉट आई हैव शेडेड हियर एंड टोटल एरिया इज एक्चुअली द एरिया ऑफ सर्कल तो हम लोग कैसे लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया सो टोटल एरिया इज पाई आर स्क्वायर एंड फेवरेबल एरिया इज एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होगा थ्री बाय फोर और सॉल्व कैसे किया हमने हमने सिर्फ उसकी ज्योमेट्री को समझा टोटल एरिया मार्कआउट किया फेवरेबल एरिया मार्कआउट किया सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड तो क्वेश्चन क्वेश्चन इज दैट इट लाइज आउट साइड द सर्कल सो पॉइंट इज चोजन रैंडमली इन साइड द स्क्वायर स्क्वायर के अंदर रैंडमली चूज किया है तो सर्कल के अंदर भी हो सकता है और सर्कल के बाहर भी हो सकता है डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा ठीक है तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो कुछ इस तरीके से हम शेड करेंगे सो अगेन कॉन्सेप्ट इज सेम फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया टोटल एरिया इज एक्चुअली एरिया ऑफ स्क्वायर एंड फेवरेबल एरिया इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल तो फाइनल आंसर हो जाएगा फोर माइनस फाइव होल डिवाइडेड बाय फोर सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अ पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम इनसाइड एन इक्वेटेड ट्रायंगल हु साइड लेंथ इज थ्री फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स डिस्टेंस टू एनी कॉर्नर इज ग्रेटर देन वन तो रेक्टेंगल सॉरी जो ट्राइंगल है उसके अंदर पॉइंट रैंडमली चूज़ किया गया है वो कॉर्नर से वन दूरी से ज़्यादा होना होना चाहिए तो आप सोचिए पहले उन पॉइंट्स के बारे में जो कॉर्नर से एग्जैक्टली वन दूरी पर होंगे तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा सो ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट वन डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर्स आर शेडेड या इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि वो एक आर्क पे होंगे सो so, ये जो तीन आर्क्स पॉइंट आउट की गई हैं तीनों कॉर्नर से एक आर्क बनी है 60 डिग्री एंगल है तीनों का क्योंकि इक्विलेटरल है तो अपना फेवरेबल एरिया जो हो जाएगा वो ट्राइंगल के अंदर होगा और इन आर्क के बाहर होगा इस आर्क पे नहीं होना चाहिए सो टोटल एरिया इज़ रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर दैट इज़ थ्री स्क्वायर और जो फेवरेबल एरिया है उसको आप एक्चुअली रिवर्स सोचिए एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ द थ्री आर्कस और थ्रीन आर्क का एरिया कैसे निकालेंगे तो वो आप लोग अपने आ, नाइन टेंथ के एरिया ऑफ आर्क के लॉजिक से निकाल सकते हैं टोटल एरिया ऑफ सर्कल होता है पाईआर स्क्वायर उसके हम लोग छः पिज़्ज़ा के स्लाइसेस काटें थिंक ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर और ट्राई टू कट इट इंटू सिक्स इक्वल पीसेस तो जो 60 60 डिग्री के छह इक्वल पीसेस बनेंगे उसमें से तीन पीस ले रखे हैं हमने तो इन शॉर्ट इट इज एक्चुअली एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो पाई आर स्क्वायर स्क्वाइडेड बाई टू इट इज एक्चुअली पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिक्स आर की वैल्यू वन है और तीनों आर्क मिलके पाई बाय टू बन जाएगी तो फाइनल आंसर होगा वन माइनस टू पाई बाय नाइन रूट थ्री सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन हम लोग फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर चोजन एट रैंडम ईच लेस देन टेन सेंटीमीटर ऑल सच लेंथ्स बींग इक्वली लाइकली तो सारी की सारी लेंथ्स इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन टेन सेंटीमीटर तो ये जो भी ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का सवाल है लेटेस्ट फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड अंडरस्टैंड इट क्यों कहना क्या चाह रहे हैं तो एक रेक्टेंगल है जिसके साइड्स जो हैं लेंथ और ब्रेथ को हम लोग लेट से एक और वाई से डिनोट करते हैं तो ईच लेस देन टेन सेंटीमीटर होंगे सो so, अपना जो टोटल केस होगा जिसको हम लोग टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल में जो हम टोटल देखते हैं वो टोटल केसेस इंक्लूड करेंगे एक्स की वैल्यू कैन बी एनी थिंग बिटवीन जीरो एंड टेन क्योंकि लेंथ है तो पॉजिटिव होगी और क्वेश्चन ने बोला है कि टेन सेंटीमीटर से कम होगी सिमिलरली वाई विल बी सम नंबर बिटवीन जीरो से टेन तो ये टोटल केसेस को डिनोट करता है ठीक अब पूछता है प्रोबेबिलिटी दैट द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन टेन सेंटीमीटर एरिया को डिनोट करेगा अब ये जो भी हमने मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ इन इक्वेश लिखा है इसको ज्योमेट्रिकली कैसे प्लॉट करें तो अगर हम एक टू डी प्लेन समझें एक्स एक्स और वाई एक्सिस के साथ तो एक्स लाइन बिटवीन जीरो से टेन डिनोट करता है दो वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू टेन के बीच का रीजन y बिलोंगिंग टू जीरो से टेन इंक्लूड करता है या सजेस्ट करता है एरिया बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइंस y इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू टेन सो इन शॉर्ट ये जो x जीरो से टेन और y जीरो से टेन लिखा है इट इज एक्चुअली डिनोटिंग द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एक टेन क्रॉस टेन का एक स्क्वायर होगा जिसके एंड पॉइंट्स होंगे जीरो कॉमा जीरो टेन कॉमा जीरो 10, 10 और 0, 10. तो ये एरिया है अपना अब कैसे हम तो जो इन है अगर आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्स वाई स्क्वायर लेस देन हंड्रेड आता है यहां लेस देन की जगह अगर टू लेके चलते हैं तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल तो यहाँ पे लेस देन होने की वजह से हमको सर्कल के अंदर का एरिया चाहिए और बिकॉज वी आर डीलिंग विथ पॉजिटिव एक्स एंड वाई तो हम लोग सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ना बनाते हुए सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर को लेंगे दैट इज क्वार्टर सर्कल तो एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल जो है वो अपना फेवरेबल एरिया है और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है अपना वो टोटल एरिया है तो फेवरेबल अपॉन टोटल वाले लॉजिक से हम इन एरियाज का रेशियो लेंगे एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर दैट इज पाई बाय फोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे फॉर्म द साइड्स ऑफ अ पॉसिबल ट्राइंगल ये क्वेश्चन जो है ये एम uh, बी के कैट वगैरह में यहाँ आपके आई के इंटरव्यू क्वेश्चन में बड़ा फेमस क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है तो एक लाइन है जिसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करें तो लेट से लाइन का लेंथ है एल तो इसको अगर हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो लेट से उन तीन टुकड़ों के लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं फर्स्ट लेंथ बाय एक्स सेकेंड लेंथ बाय वाई एंड ऑब्वियसली थर्ड लेंथ विल थ एल टोटल लेंथ एल माइनस एक्स माइनस वाई अब टोटल केसेस सबसे पहले टोटल केसेस पे ध्यान देते हैं लॉजिकली तो ये जो एक्स वाई और एल माइनस एक्स माइनस वाई है ये जीरो से एल के बीच में कोई भी लेंथ होगी है ना ये मिनिमम जीरो मैक्सिमम एल के बीच में लाई करेगा और जो थर्ड वाला चीज़ है उसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो वी विल गेट एक्स प्लस वाई लाइंग बिटवीन जीरो से एल यू नो हाउ टू सॉल्व इन इक्वालिटीज सो so, अपना टोटल रीजन या जो टोटल एरिया आएगा वो आएगा एक्स जीरो से एल वाई जीरो से एल ये स्क्वायर डिनोट करते हैं हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बट इसमें एक और एडिशनल चीज है एक्स प्लस वाई जीरो से एल तो इसको प्लॉट हम लोग टू में बाद में करते हैं पहले फेवरेबल केसेस पे आते हैं अब फेवरेबल केसेस क्या बोलता है कि दे शुड फॉर्म द साइड्स ऑफ अ पॉसिबल ट्राइंगल तो ट्राइंगल में क्या होता है सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड तो पहले दो साइड अगर x और y है तो x और y का सम तीसरी साइड l माइनस एक्स माइनस वाई से बड़ा होना चाहिए सो so, इसको सॉल्व करके मिलेगा x प्लस वाई ग्रेटर देन l बाय टू सेकेंड जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है y प्लस एल माइनस एक्स माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन x. तो सेकेंड so, और थर्ड टुकड़े का सम पहले टुकड़े से बड़ा होना चाहिए इसको सॉल्व करके आता है एक्स लेस देन एल टू और थर्ड और फर्स्ट टुकड़े का सम y दैट इज सेकंड टुकड़े से बड़ा होना चाहिए इसको सॉल्व करके आता है y लेस देन l by 2 अभी जितनी भी इनइक्वालिटीज आई है इन्हें आप लोग 2d प्लेन में अगर प्लॉट करें तो क्या क्या मिलेगा हमें तो आइए प्लॉट करते हैं सबसे पहले हमें प्लॉट करना है टोटल केसेस तो टोटल केसेस में हमें है टोटल तो केसेस में क्या क्या दे रखा है x 0 से l होना चाहिए y 0 से l होना चाहिए और x प्लस वाई जीरो से l होना चाहिए तो एक्स y वाईक्वल टू एल एक स्ट्रेट लाइन होती है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो भी एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उस स्ट्रेट लाइन के बीच का पोर्शन चाहिए हमें तो टोटल केसेस होंगे ट्राइंगल ओ ए बी के इंटरनल वाला एरिया इस डायग्राम में जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी है उसके इन साइड वाला एरिया है टोटल एरिया विच इज हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी दैट इज एल स्क्वायर बाई टू फेवरेबल एरिया के लिए हमें बोला जाता है कि एक्स शुड बी फेवरेबल एरिया क्या है अपना एक्स लेस देन एल बाई टू वाई लेस देन एल बाई टू तो एक्स एल बाई टू से छोटा वाई एल बाई टू से छोटा और एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन एल बाय टू तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन एल बाई टू भी एक फेवरेबल एरिया है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एल बाय टू पहले प्लॉट कीजिए और ग्रेटर का मतलब ओरिजिन से दूसरी तरफ तो ये जो शेडेड रीजन है जो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया है ये छोटा अपना फेवरेबल रीजन हो जाएगा तो वो जाएगा हाफ इंटू लेंथ इंटू विथ दैट इज हाफ इंटू एल बाई एल बाई टू दैट इज एल स्क्वायर बाई एट तो फेवरेबल एरिया है एल स्क्वायर बाय एट टोटल एरिया एल स्क्वायर बाय टू इनका रेशियो हो जाएगा अपना फाइनल आंसर दैट इज वन बाय फोर